बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। बोम्बिल की चटनी हो या सालन, उसे बनाने के लिए अक्सर बोम्बिल को फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन आज मैं इस बोम्बिल की चटनी को बिल्कुल ही हटके और नए तरीके से बनाऊंगी। तो आज हम बनाएंगे बोम्बिल की चटनी। इस बोम्बिल की चटनी का टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि आप इसे बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। जो लोग बोम्बिल खाना पसंद करते हैं वो तो इसे देखते ही बनाएंगे, लेकिन जो बोम्बिल नहीं खाते हैं वो भी इसे ज़रूर बनाएंगे। इतनी टेस्टी होती है ये चटनी। तो चलिए ये मज़ेदार बोम्बिल की चटनी को कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। बोम्बिल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम बोम्बिल ली हूँ। तो जो बोम्बिल का नीचे का और ऊपर का भाग है उसे काट लेंगे हम इस तरह से। जो बोम्बिल की ऊपर से मुंडी होती है उसे काट लेना है हमें, और ये साइड में भी थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। ये देखिए बोम्बिल को मैंने इस तरह से काट लिया है, ये बोम्बिल इस तरह से क्लीन हो जाता है। तो ये एक तरह की सूखी मछली होती है, इसे नमक लगाकर सुखाया जाता है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ी सी सुकड़ जाती है। इसे बॉम्बे डक भी कहते हैं। महाराष्ट्र में ज़्यादा ये बोम्बिल की चटनी, बोम्बिल का सालन, रस्से वाला बोम्बिल, अलग तरह से बोम्बिल की रेसिपी बनाकर खाई जाती है, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सारे बोम्बिल को मैंने काट लिया है, अब इसे हम धोएंगे। यहाँ पर मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है, उसमें बोम्बिल को 1 से 2 मिनट के लिए हम भीगने देंगे, ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह है वो भी निकल जाए और थोड़ी सी स्मेल आती है बोम्बिल में वो भी ख़त्म हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, ये आप देख सकते हो कि बोम्बिल को मैंने पानी में रखा है, तो पानी कितना मिट्टी वाला हुआ है। अब इसे हम निकाल कर एक बार फिर से साफ पानी से धो लेते हैं। अब बोम्बिल को हमें सेकना है, तो गैस पे मैंने एक जाली रखी हूँ। एक एक बोम्बिल को इस तरह से हम रखेंगे और बोम्बिल को हमें अच्छी तरह से सेक लेना है धीमी आंच करके। अगर आपके पास जाली ना हो तो आप चिमटे की मदद से भी बोम्बिल को पकड़कर सेक सकते हो, या फिर आप तवे पर भी सेक सकते हो। इस तरह से जब हम सेक कर लेते हैं ना, तो बोम्बिल की चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए उलट्टे पलट्टे मैंने सभी बोम्बिल को सेक लिया है। अब यहाँ पर मैंने 10 से 12 सूखी लाल मिर्च ली हूँ, इसे भी थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, ताकि जब हम इसे पीसेंगे तो ये अच्छे से पीसे जाए। ये जाली गर्म है तो ये फौरन ही हो जाती है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। बस कुछ सेकंड के लिए मैंने मिर्ची को भी भून लिया है जाली पर, इसे निकाल लेती हूँ मैं फौरन। बोम्बिल को मैंने भून कर ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से जब हम बोम्बिल को भून कर लेते हैं तो कुछ लोगों को बोम्बिल में से स्मेल आती है, तो वो स्मेल भी खत्म हो जाएगी। तो अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और इसे दरदरा सा हमें पीसना है। ये देखिए बोम्बिल को इस तरह से मैंने दरदरा सा कूटा है, तो मिक्सर को बंद चालू करते हुए हमें इसे पीस लेना है। बहुत ज़्यादा भी इसका पाउडर नहीं बनाना है हमें। इस तरह से बोम्बिल के बड़े टुकड़े भी रहेंगे तो भी चलेगा। अब उसी मिक्सर जार में जो हमने मिर्ची को भून कर लिया है, वो मिर्ची और यहाँ पर देखिए एक अखा लहसुन की कली जो आती है, तो वो लहसुन ले लिया है मैंने। यहाँ पर थोड़ा लहसुन हमें ज़्यादा लेना है, जिससे ये चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मिर्चियों की जो डंडियाँ होती है उसे मैंने निकाल लिया था। 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ली हूँ, इसे भी मिक्सर में डाल देते हैं। सफ़ेद तिल डाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो सफ़ेद तिल की जगह पर आप मूंगफली के दाने भी ले सकते हो। अब ये चटनी को भी हम दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पानी डाले बिना ही मैंने ये चटनी को दरदरा सा पीस ली हूँ। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें आप नमक डालकर और थोड़ा सा ऊपर से कच्चा तेल डालकर रोटी के साथ खा सकते हो। इससे हमारी बोम्बिल की चटनी में और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो चलिए अब बोम्बिल की चटनी बना लेते हैं हम। गैस पे एक कढ़ाई रखिए, उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे हम। तेल यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो गया है, उसमें ये बोम्बिल को डालेंगे हम। यहाँ पर बोम्बिल को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे हम, क्योंकि बोम्बिल को हमने पहले से ही थोड़ा सा भून कर लिया है। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और धीमी आँच पर 1 मिनट के लिए इसे तेल में फ्राई कर लेते हैं, ताकि बोम्बिल जो है और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए, और जो बोम्बिल को हमने भून कर यानी सेक कर लिया था तो उससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। ये 1 मिनट हो गया है, बोम्बिल के साथ ही हम प्याज को भी डाल देते हैं, और प्याज को हमें हल्का सा नरम होने तक फ्राई करना है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देती हूँ मैं,
और मीडियम फ्लेम पर प्याज और बोमिल को हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बोमिल और प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि बोमिल भी हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए बोमिल और प्याज यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई है, बोमिल हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। गैस की फ्लेम मैंने धीमी कर दी है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि चटनी में अच्छा सा कलर भी आ जाए। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, उसे बारीक काट लिया है मैंने, ये डाल देते हैं। और टमाटर को थोड़ा सा प्याज के साथ हम पका लेंगे। इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम टमाटर को नरम कर लेते हैं ताकि टमाटर की थोड़ी सी ग्रेवी की तरह हो जाए। आप चाहे तो टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हो। गैस की फ्लेम इस टाइम पर मैंने धीमी ही रखी है। ये देखिए यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो हमने तिल्ली और लाल मिर्च लहसुन डालकर चटनी तैयार की है ना, उसमें से मैं 2 चम्मच बचा लूंगी, क्योंकि इसे अलग से हम रोटी के साथ भी खाते हैं। हमारे इधर ये चटनी खिचड़ी के साथ भी खाते हैं, तो इसमें मूंगफली का तेल ऊपर से डालकर खाओ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर 4-5 चम्मच ये चटनी डाल देती हूँ मैं, और इतनी चटनी मैंने बचा ली अलग से। अब इसमें नमक डालेंगे हम टेस्ट के मुताबिक। जो बोमिल होते हैं उसमें भी थोड़ा नमक होता है, तो नमक को आप देखकर डालें। इसमें मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है इसीलिए ये लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। हमने जो सूखी लाल मिर्च डाली थी वैसे उससे तीखा हो ही जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम धीमी आंच पर। और ये मसाले जले नहीं, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। और इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे हम। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए ये चटनी को पकते हुए। ये चटनी जो होती है थोड़ी सी लुतपुती ऐसी ग्रेवी वाली ही होती है, क्योंकि इसे हम चपाती के साथ खाएंगे। आप चाहे तो बाजरी मकई या ज्वार की रोटी के साथ भी खा सकते हो। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये चटनी तैयार है हमारी। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और माशाल्लाह देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये बोमिल की चटनी हमारी बनकर तैयार है। मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ, और ये झटपट से बोमिल की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं।